तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, आज बिग बॉस OTT 3 तो शुरू हो गया दोस्तों, लेकिन दोस्तों क्या ये जो बिग बॉस OTT 3 है सीज़न हिट होगा या फ्लॉप? मुझे लग रहा है दोस्तों सीज़न हिट होगा, मुझे लग रहा है दोस्तों सीज़न हिट होगा, क्योंकि अनिल कपूर के ऊपर, अनिल सर के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है। प्रेशर किस बात का है दोस्तों? प्रेशर है बिग बॉस OTT 2 का जो व्यू था, व्यूअरशिप, उसको बीट करने का, क्योंकि बिग बॉस OTT 2 जो फुकरा इंसान एलविश यादव जिसमें थे, उसका जो व्यूज़ था टोटल वो था 2450 मिलियन व्यूज़। जी हाँ दोस्तों, उस व्यूज़ को अनिल सर को बीट करना पड़ेगा, उनके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आ चुका है, प्रेशर आ चुका है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो बीट कर देंगे, ये बाद में देखा जाएगा जब रिपोर्ट आएगा। फिलहाल अभी शो जो है 4.5 मिलियन व्यूज़ पे चल रहा है फिलहाल, है ना। और वो जो सलमान सर ने जो होस्ट किया था बिग बॉस OTT 2 फर्स्ट टाइम, वो 8 हफ्तों में 2450 मिलियन व्यूज़ चला गया था। कितने हफ्तों में? 8 हफ्तों में, 8 वीक्स में, इन 8 वीक्स 2450 मिलियन व्यूज़ चले गए थे उस वाले शो में। क्योंकि उस वाले शो में दोस्तों कंटेस्टेंट्स भी कुछ ऐसे आए थे, जैसे पूजा भट्ट, शी वॉज, ऑफकोर्स शी वॉज मैन, शी वॉज एक्ट्रेस एंड शी वॉज 90s का वो एक दौर था जब सब लोग पूजा भट्ट को पसंद करते थे, है ना। जो एक्ट्रेस थी वो तो सब लोग देखना चाहते थे पूजा भट्ट अब कैसी लगती है। इसके बाद हमारे और एलविश यादव राव साहब, है ना, बोलना ही क्या है अब, वो तो भाई। इसके बाद फुकरा इंसान, ओ माय गॉड, सबकी, सबको पसंद है वो फुकरा इंसान, है ना। इसके बाद बेबिका धुर्वे, उसने एक मसाला लगाया आग, है ना। इसके बाद हमारे जैद हदीद भाई साहब, आकांक्षा पुरी, इन लोगों की कुछ वजह से शो जो है एकदम हिट हुआ था। साथ में और सबसे बड़ा कारण था कि सलमान सर थे। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों क्या ये शो 8 हफ्तों में 2450 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर पाएगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि कर पाएगा, लेकिन उनको कुछ टास्क देना पड़ेगा दोस्तों, बिना टास्क के नहीं होगा। तो अब दोस्तों अनिल सर को ये बीट करना पड़ेगा। फिलहाल शो जो है शुरू होते ही प्रीमियर के दिन ये 4.5 मिलियन व्यूज़ गया, लेकिन ये गया क्यों? क्योंकि ये जो यूट्यूबर्स आए ना, चंद्रिका, ये वो, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स, कटारिया, इसीलिए इनको लाया गया है, क्योंकि सलमान सर नहीं है। क्योंकि सलमान सर आते तो उनके पूरा फैन फॉलोइंग, फैंडम आ जाता है शो देखने के लिए, है ना। और सलमान सर का फैंडम आपको पता है कितना ह्यूज है, इंडिया में कोने कोने में हर जगह में है। तो अभी तक 0.17% अर्न हुआ है, पर अनिल सर का टारगेट है कि बीट करने का, कि सलमान सर वाला सीज़न को बीट करने का व्यूज से। सब तो व्यूज़ का खेल है ना आजकल दोस्तों, व्यूज़ से ही तो सब पैसा आता है। तो क्या अनिल सर ये कर पाएंगे, ये बाद में देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों सलमान सर तो सलमान सर है ना, उनके बिना एक मज़ा नहीं आता बिग बॉस। ऐसा लगता है बिग बॉस वही है और उन्होंने ये शो का इजाद किया है। और वो जब होस्टिंग करते हैं तो उनका होस्टिंग करने का अलग ही एक वो है। अभी तक हमने अनिल सर का होस्टिंग देखा नहीं, वो तो काम, बहुत काम थे, बहुत नरम थे प्रीमियर के दिन। अब वीकेंड के वार के दिन देखना पड़ेगा वो किस तरीके से हैंडल करते हैं। क्योंकि सलमान सर जब होता है ना दोस्तों, तो क्या होता है कंटेस्टेंट्स के अंदर एक डर रहता है कि नहीं सामने सलमान सर है, मतलब एक डर रहता है उनको देख के, सबको एक रेस्पेक्ट रहता है अंदर कि यार ऐसा कुछ नहीं करूँगा शो में, वरना वीकेंड के वार के दिन सलमान सर के सामने बहुत अपमान होना पड़ेगा, है ना। और सलमान सर ने अपना एक ऐसा इमेज बनाया कि सबको उनकी वैलिडेशन की ज़रूरत है ना, सबको उनकी एक वैलिडेशन की ज़रूरत होती है। तो फुकरा इंसान और एलविश यादव सलमान सर के सामने आए, ये बहुत बड़ी बात है उन दोनों के लिए, क्योंकि ही इज़ ए, माई गॉड, क्या बोले अब उस, उनके बिना उन्होंने वो जितना व्यूअरशिप ला के देते हैं ना अकेले किसी भी, ही स्टार, एक स्टार जो होता है यही स्टार होता है कि मतलब आते ही मतलब लोग लग जाते कि हाँ ये, जैसे आप यहाँ पर देखिए पौलोमी दास जो बोलती है शो में कि मेरा स्किन कलर की वजह से मेरा मुझे काम नहीं मिल रहा इंडस्ट्री में, सीरियल वगैरह में, यहाँ पर पौलोमी दास जो बोल रही है, यस ऑफ कोर्स आपको काम नहीं मिलेगा अगर आपका स्किन डार्क है ना। क्योंकि इंडिया में या फॉरेन में हो, कहीं भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर डार्क लोगों को इतना काम नहीं दिया जाता। क्यों पता है? क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन, प्रोड्यूसर किसी काले स्किन वाले के ऊपर पैसा नहीं लगाना चाहता, क्योंकि पब्लिक जो है वो गोरा स्किन देखना चाहती है। जो मैं से कोई रेसिज्म नहीं कर रहा हूँ, पर ये एक व्यूअरशिप होती है,
पब्लिक को है ना, उनको एक गोरा स्किन देखना पसंद है, उनको गोरा बदन जो चाहिए। इसीलिए जो आपको कुछ भी हाथ पैर मार लीजिए, रो लीजिए, मुझे नहीं ले रहा है, मुझे नहीं ले रहे मेरे स्किन कलर की वजह से, आपको नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। मेरे बहुत दोस्त हैं दोस्तों जिनका डार्क कम्प्लेक्शन है स्किन, उनको नहीं लेते, तो वो लोग किसी दूसरे फील्ड में है, वो असिस्टेंट डायरेक्शन में है किसी और फील्ड में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। तो ऐसा नहीं है कि आपको लेना पड़ेगा। तो सेम सलमान सर का एक अलग वो है, उनको देखते ही लोग बोलते हैं नहीं यार इसके ऊपर विश्वास करके हम शो देख सकते। वैसे अनिल सर को मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि वो शो नहीं देख सकते, शो तो देख रहे हैं हम लोग। अनिल सर का एक अलग ही वो है, ऑरा है, अब देखते क्या होता है। और कंटेस्टेंट्स बहुत ज़्यादा चिल मोड में है, देखिए खाना भी खा लिया सब, राशन ख़त्म कर दिया। पर मुझे लगता है सलमान सर अगर होते ना तो ये कंटेस्टेंट जो है थोड़ा अंदर आके टाइट रहते, मतलब थोड़ा अलर्ट रहते और भी, क्योंकि मैंने जितने सीजन्स देखे सलमान सर के, जब कंटेस्टेंट्स सलमान सर की सीजन में कंटेस्टेंट्स थोड़े से है ना वो रहते हैं, मतलब थोड़ा सा ब्रेन में अलर्ट रहता है कि नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है बाद में सलमान सर के सामने, है ना। ठीक है, बिग बॉस 13 में तो हुआ था जो भी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शो भी हिट जाएगा। पर यार बिग बॉस 18 में मुझे ऐसा ऐसी इसीलिए लग रहा है कि राउंड टू हेल इसीलिए नहीं आया क्योंकि सलमान सर नहीं है। मुझे लगता है अब 18 में आएंगे जैन सैफी या जो भी राउंड टू हेल में कोई। चलिए देखते क्या होता है आगे, है ना। थैंक यू, चलिए चैनल वगैरह सब्सक्राइब।